नमस्कार, जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एक बार फिर नरसिंहपुर के युवक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहने वाले अल्ताफ खान को खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा इंडो चाइना यूथ डेलीगेशन के लिए चुना गया था और डेलीगेशन के प्रतिनिधित्व करने वाले अल्ताफ को चीन में भारतीय संस्कृति को चीन से साझा करने का दायित्व सौंपा गया कि देश के लिए प्रतिनिधित्व करने का उन्हें मौका मिला ताकि भारतीय संस्कृति की अन्य देशों से पहचान करा सके और देश की संस्कृति को भी साझा कर सके और दोनों देशों के युवा संयुक्त प्रयासों से एक दूसरे के बीच मधुरता के संबंध स्थापित कर सकें। हम आपको बता दें कि अल्ताफ हमेशा ही सामाजिक सरोकारों में अग्रणी भूमिका में नजर आए हैं, चाहे नर्मदा सफाई मिशन हो या सघन वृक्षारोपण, जिसकी वजह से प्रदेश स्तर पर उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। और यही वजह है कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्हें इंडियन यूथ डेलीगेशन टू चीन के लिए चुना गया था। बहुत सारे इवेंट वहाँ पर हुए जहाँ पर वहाँ के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ, युवाओं के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ और एक दूसरे की संस्कृति को हमने वहाँ पर साझा किया और एक प्रयास किया कि दोनों देशों के रिश्ते आपस में ठीक हों, एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता को एक दूसरे देश के युवा जाने और हम दोनों एक महाशक्ति के रूप में विश्व में उभरें, इसी तारतम्य में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसका क्या लाभ मिलेगा यहाँ पर, किस तरीके से उसका लाभ लोगों को देंगे? लाभ लोगों को इस प्रकार देंगे, अभी जो डेलीगेशन हमारा आया है इसका प्रत्येक सदस्य एक अपनी अनुभव और रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेंगे। भारत सरकार उन अनुभवों के आधार पर उन अनुभवों को योजनाओं में इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही साथ जितने डेलीगेशन में हमारे मेंबर गए थे वो सारे के सारे लोग अपने अनुभव के आधार पर जिस भी फील्ड में वो लोग काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसका लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।